तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहता हूँ, मतलब मैं अटेंडेंस फॉर्मेट बनाना चाहता हूँ। जब यहाँ ड्रॉप डाउन पे जो सिलेक्ट करूंगा मंथ, उस मंथ का अटेंडेंस का फॉर्मेट यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, सिंपल। तो डेवलपर यहाँ डेटा में जाते हैं, और डेटा में यहाँ होता है वैलिडेशन, वैलिडेशन में यहाँ होता है लिस्ट, और यहाँ पे मैं जैन फैब मार्च का लिस्ट जो है यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दूंगा। कहीं टाइप है तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल टाइप कर रहा हूँ। तो करना क्या है, समझ में आ गया? किसी को कंफ्यूजन उसमें? नो सर, अमनीत जी, कोई दिक्कत? नो सर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, मैंने दिसंबर डाल दी। जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एक बन गया ड्रॉप डाउन। ठीक है, मैं यहाँ जो सिलेक्ट करूंगा, अब यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एम्प्लॉय कोड, EID, यहाँ पे हमारा नेम हो जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं उस साल उस महीने का डेट चाहिए, तो अगर मैंने 1 डैश और इसके साथ एन परसेंट सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया तो जैन आ जाए। बट जैन जो आ रहा टेक्स में, मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए कि मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा 1 डैश एन परसेंट जैन ले लिया। अब मैं यहाँ ईयर नहीं डालना, ईयर ना डालने से क्या होगा कि हर साल लेटेस्ट ईयर यहाँ पे शो करेगा, जैन आएगा, बट एक डेट डेट फॉर्मेट में नहीं है। तो इसके ऊपर मुझे कुछ नहीं करना है, इसको ब्रैकेट में ले लेना है, इसमें प्लस जीरो कर देना है। क्या कर देना है? प्लस जीरो। अब ऐसा क्यों हुआ कि सिंपल सी बात समझिए, अगर टेक्स्ट में डला हुआ कोई नंबर है, अगर उस पे अगर प्लस जीरो या मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं तो उसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होता है, बट वो कन्वर्ट होके नंबर फॉर्मेट में आ जाता है। तो डेट को भी एक्सेल एज ए नंबर रीड करता है, तो यहाँ पे नंबर दे दिया है। अब इसमें डेट का फॉर्मेट लगा दिया। अब मैं इक्वल करूंगा इसमें प्लस 1 करता और एंटर प्रेस करता हूं, तो 2 जैन आ गया। अब इसको लेके लास्ट तक ड्रैग करिए, तो यहाँ देखिए फरवरी तक आ गया, 31 जनवरी, तो 31 जनवरी का यहाँ पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ी सा, अब यहाँ थोड़ा सा एडवांस आ जाता है, जो चीज मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन यहाँ जरूरत है तो क्या करते हैं। देखिए हर महीने में 28 दिन तो होंगे ही होंगे कम से कम, 28 के बाद 29 का महीना फरवरी में 4 साल पे आएगा, 30 का जो है आपका कुछ महीने है, कुछ 31 में होंगे, बट 28 तो सब में होगा। तो 29 से हम कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं ताकि मंथ के हिसाब से ये डेट यहाँ विजुअल हो, नहीं तो नहीं। तो सबसे पहले कि कौन सा महीना का लास्ट डेट क्या है, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपके एक्सेल में फॉर्मूला होता है ईओ मंथ। क्या होता है? ईओ मंथ। हमने इसको लिया एंड कॉमा जीरो करके एंटर मार दिया। अब यहाँ पे अगर कंट्रोल शिफ्ट हैश करते हैं फॉर्मेट, तो आपका 31 जनवरी दिखा रहा है। तो हर महीने की कोई भी डेट इसके अंदर डालिए तो उस महीने की लास्ट डेट आपको दिखा दे। तो मैं यहाँ पे 29 पे आता हूँ, सिंपल सा यहाँ इफ कंडीशन अप्लाई करो, यहाँ लगाऊंगा कि इफ अगर ये प्लस करने पे ग्रेटर देन है ईओ मंथ के, तीनों मंथ पे कोई डेट सेलेक्ट करके कॉमा जीरो कर, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, नहीं तो जो चल रहा है वो चलने, मतलब कि 28 प्लस 1 चलने, सिंपल सा हमने फॉर्मूला। अब इसको लेके आगे तक ड्रैग कर। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं फरवरी लिखता हूँ, फरवरी लिखा एंटर मारा, तो अब देखें यहाँ पे एक मिनट इसको बड़ा कर, तो यहाँ देखिए
यहां पे 29 फरवरी हुआ, 30 ब्लैंक हुआ, बट 31 जो है यहां पे एरर आ गया। अब एरर क्यों आया इसको समझते हैं। देखिए इसमें हमने क्या बोला कि ब्लैंक, तो हमने जब इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया इसका मतलब हो गया कि ये हो गया सेल, टेक्स्ट हो गया, ये सेल जो है टेक्स्ट हो गया, और टेक्स्ट के ऊपर किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए एरर आया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इफ एरर का, ये पूरा इफ फॉर्मूले को इफ एरर में डाल। अभी आप लोग बस इसको नकल कर लीजिएगा, कंसेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा जब हम इफ फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं इफ पे जाऊंगा तो फिर क्लास डायवर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं जैन लिखा तो आप देखेंगे जनवरी का पूरा 31 दिन आ। अब यहां पे मैं सैटरडे संडे चाहिए तो मैं यहां पे टेक्स्ट फॉर्मूला, और जो हम कस्टम फॉर्मेटिंग में लगाते हैं 3 बार डी डी डी, वो यहां लगा के एंटर प्रेस कर, और फिर यहां आगे तक ड्रैग करता हूं तो आप देखेंगे कि आपके सामने मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे आ चुका है। अब ये डेट, अब जो यहां पे मंथ है ही तो खामखा ये पूरा डेट क्यों दिख रहा है, क्या इसको इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और कहां जाएंगे कस्टम फॉर्मेट के अंदर कस्टम पे, और यहां पे मैं जस्ट 2 बार डीडी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका डेट शो होगा 0 1 2 3 के फॉन्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया तो क्या हो गया, ये ऑटो फिट हो गया जिससे मेरा एक मेन दिख रहा हो। अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा ले लेते हैं, यहां से हमने बॉर्डर लगा देते हैं, नहीं बॉर्डर ऐसे ही लगाएंगे, यहां नेम का, नेम तक का बॉर्डर तो ठीक है, लेकिन मैं अगर बॉर्डर लगा दूंगा तो फिर अगर 28 दिन होगा तो खाली दिखेगा ना सर, तो मैं ऐसा कुछ चाहता हूं कि जितने नंबर ऑफ यहां पे डेटा अगर है तो नीचे बॉर्डर लगाए, नहीं तो नहीं लगा, जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में हमने क्या किया था कि इसको सिलेक्ट किया, यहां पे चले गए न्यू रूल्स यूज फॉर्मल, और डेट को सिलेक्ट किया, यहां पे इक्वल करके डेट को सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, और इसमें हम डी के आगे का डॉलर हटा देते ताकि जब ड्रैग करे तो डी ई एफ जी एच हो जाए, और यहां हम आते हैं बॉर्डर में और इसकी बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, देन ओके। अब फॉर्मेट प्रिंटर लेते हैं और फॉर्मेट प्रिंटर से इसको पेंट कर देते हैं। अब पेंट करने से इसकी फॉर्मेटिंग बिगड़ गई तो दोबारा आपको इसके ऊपर कस्टम डीडी करना पड़ेगा। अब यहां पे अगर मैं फरवरी सेलेक्ट करूं तो देखिए फरवरी का 29 दिन आ रहा है, मार्च सेलेक्ट किया तो 31 दिन, और यहां पे अप्रैल सेलेक्ट किया तो ये देखिए, मई सेलेक्ट किया तो ये देखिए, दिख रहा है सर, तो हमारा बॉर्डर भी उसी हिसाब से आगे पीछे हो रहा है। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि अगर मंडे के जगह पे संडे हुआ तो ये पूरा का पूरा कलर बदल जाए, कैसे करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हम जाएंगे न्यू रूल्स और इसकी यूज फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, और इक्वल मैंने फॉर्मूला लगाया और का, और फॉर्मूले में मैंने सेलेक्ट किया इसको कि अगर ए, अब और फॉर्मूला क्यों दे रहे हैं रिया जी, बताएंगे कि मैं और फॉर्मूला क्यों दिया यहां पे, रीजन क्या है और फॉर्म लगाने, टेक्निकल रीजन बताइए क्या है, मतलब अगर एक कंडीशन मैच नहीं होती तो दूसरी कंडीशन मैच हो जाए हमारी। जी हाँ, मेरे पास 2 कंडीशन है कि मुझे या तो सैटरडे लगाना या संडे लगाना, मैं सैटरडे एंड संडे दोनों नहीं दे रहा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हम कंडीशन जो है एक से ज्यादा
कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नहीं दे सकते, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं एक ही कंडीशन दे सकता हूं, एक से ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर मैं और लगा दूं तो और मैं कई सारे कंडीशन दे सकता हूं, डी सेवन, तो यहां पे डी सेवन इक्वल टू सैटरडे कॉमा अगेन डी सेवन को सिलेक्ट किया इक्वल टू संडे। अब यहां पे डॉलर हटाना पड़ेगा, किसके आएगा, डी क्या आएगा, क्योंकि सेवन तो फिक्स है ना हमारा, लेकिन यही तो चेंज हो रहा है ना डेट हमारा। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, फील्ड में गए, सेलेक्ट किए कलर को, देन ओके, और फॉर्मेट प्रिंटर से हमने यहाँ पे कलर अपॉइंट कर दिया। तो जहां जहां सैटरडे संडे होगा वहां वहां कलर हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ मतलब हमने कोई गलती किया है। गलती क्या हुआ है कि हमने डी सेवन को लिया है, हमें डी सिक्स को लेना था ना, तो यहां जस्ट डी सेवन के जगह पे सिक्स कर देते हैं, क्योंकि सटने मंडे सैटरडे संडे तो डी सिक्स में है ना सर। देन ओके, देन ओके। अब देखिए जहां तक सैटरडे हर महीने के हिसाब से चेंज होगा, फरवरी डालूंगा तो फरवरी के हिसाब से चेंज हो रहा है, मार्च डाला तो मार्च के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। अब मई डालता हूं तो मई के हिसाब से। अब मान लीजिए यहां पे हम रिपीटरी कोड नंबर दे देते हैं, और यहां पे नेम भी दे देते हैं। अच्छा बताएंगे कि अटेंडेंस शीट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होता है, नवनीत जी आप बताइए, आप पुराने एम्प्लॉय हैं बताइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्यों डाला जाता है, क्या फायदा है जान के अटेंडेंस लगाते समय इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। नहीं तो मान लीजिए फर्स्ट सैलरी हुई, अब मान लीजिए मैं आज से करीब 25 साल पहले कंपनी ज्वाइन किया था, तो 25 साल पहले मेरी सैलरी मिली थी, तो उसके 25 साल तो उसे उसे अदर बेनिफिट्स भी जुड़े हैं फॉर वो, तो आपकी सैलरी से वो आपकी सैलरी डेटा में जुड़ा हुआ है, तो सैलरी डेटा में सही है, लेकिन अटेंडेंस शीट में क्यों है। मेरे हिसाब से अटेंडेंस शीट में है कि हर कंपनी की लीव पॉलिसी होती है, कुछ कंपनियां कहती है कि 3 महीने अगर आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको पेड लीव नहीं दी जाए, या कुछ कंपनी 6 महीने होती है, तो अटेंडेंस लगाते समय हम चेक कर ले कि हम पेड लीव अगर डाल रहे हैं तो इसके पीछे मुझे अप्रूवल चाहिए होगा, या देते ही नहीं है, अगर देते हैं तो अप्रूवल चाहिए होता है किसी से, राइट जी। तो उस केस में हम देख लेंगे कि हम पेड लीव डाल रहे हैं तो इसका अटेंडेंस क्या, या फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए ही ये कंडीशन लगा सके कि अगर जैसे आपने डाला तो हाईलाइट दिखा दे क्या जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिंपल सा बोला कि अगर इसमें आप एल डालते हैं, एल इट मीन्स पेड लीव है, ठीक है, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इक्वल टू एल कर दिया मैंने, और L को मैंने नॉर्मल ग्रे कलर जो था वो कलर कर दिया कि अब यहाँ पे L डलेगा तो नॉर्मल दिखाएगा। अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि अगर किसी ने L डाला और उसकी ज्वाइनिंग और करेंट डेट की ज्वाइनिंग जो है अगर ग्रेटर देन 90 डेज हुआ तो ठीक है, अगर लेस देन 90 डेज है तो रेड कलर से इंडिकेट कर दे मुझे, ठीक है। तो दो डेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकलेगा, जैसे मान लीजिए यहां पे डला हुआ, अब यहां पे कैलकुलेशन पे आते हैं, कैलकुलेशन पे तो कराया था आपको मैंने, तो यहां पे आया आज का डेट, तो दो डेट का बीच का डिफरेंस निकालने के लिए लेटेस्ट डेट माइनस ओल्ड डेज करेंगे तो यहां पे नंबर ऑफ डेज आ जाए। अब लेटेस्ट डेट के लिए मैं टाइप किया, बट यहां पे मैं टुडे का फॉर्मूला लगाऊंगा, किसका लगाऊंगा फॉर्मूला, टुडे का, और ये सारी चीज कहां करने वाला हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करने में थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं यही कर रहा, ठीक है, कि टुडे माइनस हमने इसको सेलेक्ट किया, माइनस हमने सेलेक्ट किया डेट को और इनको लिया ब्रैकेट में, किस क्या लिया ब्रैकेट में,
और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर डाला कि ग्रेटर देन लेस देन, सॉरी लेस देन 90 है, तो ये आपका फॉल्स आया, द ट्रू आया। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है ट्रू या फॉल्स पे ही कंडीशन अप्लाई करता है, मतलब कि फॉर्मूला जब यहां आप लगाते हो तो यहां ट्रू या फॉल्स फाइनल होना चाहिए। अब इसमें सी एट है हमारा, तो सी एट का सी फिक्स है, एट फिक्स नहीं है, तो हम सी के आगे डॉलर लगा देते हैं। और हम यहां पे फॉर्मेट सेल पे आते हैं और इसकी बैकग्राउंड कलर करते हैं रेड, देन ओके, और फिर फॉर्मेट प्रिंटर लेके यहां से बाकी ओ पे इसकी फॉर्मेटिंग प्रिंट कर देते हैं, या फिर पेस्ट स्पेशल एज ए फॉर्मेट कर दीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे लीव दिया है, यहाँ पे 3 जनवरी है, मान लीजिए इसने अगर 1 अप्रैल को ज्वाइन किया, यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, पूरा रेड हो गया, देखिए मुझे पूरा रेड नहीं करना है। तो यहां जो मैंने टुडे का फॉर्मूला दिया है ना, एक गलत कर दिया, मुझे टुडे के जगह पे अपना डेट, जिस डेट को लीव लगा रहा है वो डेट सिलेक्ट करना ना है, जो कि है हमारा सी डी सेवन, क्या है डी सेवन, डी सेवन का सेवन फिक्स होगा, डी माइनस होगा, देन ओके, एंड यहां अप्लाई करेंगे तो बाकी अपने आप D7 minus C8 is less than 90। हाँ, यहाँ एक चीज और करना है, एक चीज और करना था, इसमें और लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो कंडीशन, यहाँ एल भी तो होना चाहिए ना, यहाँ पे मैंने एंड का फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि दो कंडीशन लेना है, विथ दोनों रिक्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने दिया कि सी डी एट, इसमें इसमें डॉलर नहीं लगाएंगे, इक्वल टू एल, एक कंडीशन छोड़ ही दिया था मैंने, देन ओके एंड अप्लाई। अब वो देखिए जहां फॉर्मूला लगा है वहीं पे रेट हुआ है, तो मैंने क्या लगाया फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, हमने एंड और के जगह पे एंड दिया, क्यों एंड दिया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन रिक्वायर है कि एल भी होना चाहिए और 90 डेज से कम भी होना चाहिए। 90 डेज के लिए सिंपल सा डेट माइनस डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और हमने लेस देन 90 करके ऑपरेटर दे दिया, और यहाँ पे किया कि डी एट, मतलब जहां पे फॉर्मूला लग रहा है कंडीशन मेटिंग वो इक्वल टू एल होना चाहिए, तो जहां भी L लिखेंगे और 90 डेज से कम होगा तो इस तरह का रेट लग जाएगा। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग में इस तरह से आप लगा सकते हैं और भी चीजें कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको फॉर्मूले को बड़े अच्छे से सीखना हो, जो कि आगे क्लासेस में हम आपको फॉर्मूले सिखाएंगे, बट अभी हम बता रहे थे कि जो आपने फॉर्मेट की क्लास पढ़ी है इसमें डायनेमिक फॉर्मेटिंग कैसे होती है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक या डायनेमिक फॉर्मेट। जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो फॉर्मेटिंग उसी के हिसाब में, रिपोर्ट के हिसाब से, देखिए रिपोर्ट दो तरह की होती है, एक स्टैटिक होता है, स्टैटिक मतलब कि आपको एक महीने आपने बना दिया तो हर महीने उसी हिसाब से चलेगा, दैट कॉल स्टैटिक रिपोर्ट, समझे। एक होता है डायनेमिक, डायनेमिक में केपीआई लगा होता है, ठीक है, कि डेटा अपडेट होने से आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए। दूसरी चीज, आप कोई की, जैसे यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लगा है, दैट कॉल केपीआई, की और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो मेरे पास केपीआई के थ्रू मेरा रिपोर्ट अपने आप को इंक्रीज डिक्रीज करे। ओके, अब अटेंडेंस, अब मान लीजिए यहां पे मुझे इसमें अटेंडेंस लगाना है तो कैसे लगाए, शॉर्टकट तरीका क्या हो, आपके रजिस्टर में आपको आपका अटेंडेंस मिल गया हुआ है, और मैं पहले ग्रिड लाइन में, यहाँ ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, व्यू ग्रिड लाइन में जाके अनचेक कर दिया, आपके रजिस्टर पे सबके साइन है अटेंडेंस के, अब यहां पे मुझे अटेंडेंस लगाना है तो शॉर्ट वे क्या होगा बताइए,
मैं शुरू करना चाहूंगा राकेश जी से। राकेश जी, आपको रजिस्टर दिया गया गार्ड के पास जो होता है, और बोला कि भाई इन बंदे का नाम है, यहाँ पे सबके अटेंडेंस फिल कर ले। तो कैसे फिल करेंगे? कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगेगा क्योंकि मैनुअल टाइपिंग है। तो क्या करेंगे आप? राकेश जी, सुन रहे हैं मुझे आप? नो कमेंट। चलिए, एकता सिंह जी आप बताइए। राकेश जी नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है रुस गए। सर मुझे नहीं पता। आपको मैंने दिया तो क्या एक एक करके मैनुअल पी 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 लिखेंगे कि भाई पूजा 1 तारीख को आया है। हाँ आया है पूजा, ये मोहन 1 तारीख को आया है। सबके सब ड्रैग करेंगे तो ये कैसे होगा? तो हर किसी का, कोई आएगा कोई नहीं आएगा तो क्या करेंगे? तो फिर यहाँ पे भी, यहाँ सैटरडे संडे था, वीक ऑफ होगा, कोई कोई वीक ऑफ के दिन आया होगा, उसका कॉम्प अप मिलेगा। वो चीज है ना सर, एक ही से पी थोड़ी है, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा पी हो गया। अटेंडेंस में बहुत सी चीज होती है ना। नवनीत जी, आप क्या करेंगे? आपके पास कोई तरीका है शॉर्ट वे का? कोई आइडिया नहीं। अभी मैनुअल करेंगे एक एक करके, पी 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 ए लीव लीव क्या? नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो तो फिर एक्सेल का यूजेस नहीं रह जाएगा। बात यह है ना कि अगर आपके पास डेटा आप बना हो कहीं पे, तभी आप एक्सेल का एक्सेल फीचर्स अप्लाई करेंगे ना। बट यहाँ पे रजिस्टर से आपको डेटा हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में करना है साइन के हिसाब से, तो वहां एक्सेल के फीचर तो कोई वर्क नहीं करेगा ना। वहां तो कोई शॉर्ट बे निकालना होगा, कोई ट्रिक्स निकालना होगा, या हम बोले इंडियन जुगाड़ निकालना होगा। अच्छा हाँ राजू जी, कुछ बोल रहे हैं? तो पहले तो मैं तब हाँ वो फिर मेरे को उसके बाद फिर तो इसमें प्लान फ्रेम करके फिर लगूंगा। ये चीज आप पहले से, मैंने आपने अपने मन जान अपने खुद बताया है या फिर कहीं वीडियो में देखा था आपने? आपने खुद से किया था या वीडियो में देखा था आपने? क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो, ये मेरा मेथड 2006 में यूज किया हुआ है, और 2009 में मैंने किसी को पढ़ाया था पहली, और इसकी वीडियो यूट्यूब यूट्यूब पे 2014 में अपलोड किया था शायद आपने देखा। देखिए, ये इसलिए बोलाओ कि इससे पहले क्या हुआ था कि 2006 में क्या हुआ था, 2006 में दिक्कत हो गई थी अटेंडेंस, क्योंकि एक मैं हम लोग काम करते थे एक फॉर्म में, जो थर्ड पार्टी फॉर्म थी, वो उनके पास कई सारे बैंक में कलेक्शन एजेंसी को फील्ड ऑफिसर से वो ये करते थे, सप्लाई करते थे, तो उनकी अटेंडेंस वहां से आती थी, अटेंडेंस बना के फिर उनकी सैलरी क्लेम करते थे, फिर वहां से स्लिप स्लिप सैलरी आती थी, और फिर सारे फील्ड को सैलरी बढ़ती थी। थर्ड पार्टी पेरोल का ऐसी सिस्टम होता है। तो हुआ क्या था कि किसी कारण से अटेंडेंस का रजिस्टर आने में लेट हो गया। अब सैलरी 7 तारीख को ट्रांसफर करनी है, और सैलरी जो है अटेंडेंस का डेटा ही तैयार नहीं है, और 1500 इम्प्लॉय का डेटा तैयार करना है, 7 अलग अलग ब्रांच के, मतलब एक ब्रांच में करीब 200 के आसपास टोटल इम्प्लॉय हैं। ठीक है, अब बॉस का दिमाग खराब हो गया, बोला यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो हमको बुलाएगा कि जितने भी स्टाफ्स हैं, मैं तो इसमें था, कैश फ्रॉड एंड कंट्रोल में था, कैश की जो फ्रॉड कस्टमर ना कर सके उसी के डेटा एनालिसिस करके उस पर ध्यान रखता था। लेकिन बॉस ने बोला कि आ जाओ, क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए सबको अटेंडेंस, सबके लिए रजिस्टर मंगाया गया, और सबके लिए अटेंडेंस बना बना बनाया गया कि आफ्टर लंच जो है सब आदमी बैठ के अटेंडेंस पूरी रात लगाएगा, नाइट शिफ्ट लगाएगा, पूरी रात भर अटेंडेंस लगाएगा। ठीक है, उस समय मैं बैचलर रहता था, संजोग से उस दिन मैं अपना लंच नहीं ले गया, तो मैं लंच करने गया नहीं, मैं रजिस्टर
दो तीन रजिस्टर लिया और 10 मिनट सोचा कि क्या करो, तो मैंने ध्यान लगाया कि मेरे रजिस्टर में मोस्टली जो है ना वो प्रेजेंट है। एवरेज निकाला जाए तो 2 से ज्यादा, ऐसे भी कंपनी में एक एम्प्लॉय 2 महीने में 2 दिन ज्यादा छुट्टी नहीं करता अगर एवरेज निकाला जाए तो। अगर मान लीजिए कि 200 एम्प्लॉय है और यहाँ पे 31 डेज है, तो अगर मैं मैनुअल एंट्री करूं तो हर एम्प्लॉय के लिए मुझे तकरीबन 662 जो है एंट्री करनी पड़ेगी हर एक 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 ब्रांच के लिए। तो अगर मान लीजिए कि एक बंदा महीने में 2 छुट्टी कर रहा है तो मुझे यहाँ पे 2 छुट्टी कर रहा है तो मां 400 एंट्री करनी पड़ेगी ना, तो 6200 को 400 पे ले आया मैंने। तो मैंने एक बंदे को बैठाया और बोला कि पहले जो है मैंने क्या किया कि जो सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, जो वीक ऑफ होता था, वो वीक ऑफ मैंने पहले कॉपी पेस्ट कर लिया, इसकी ऐसी सेम इसी तरह का फॉर्मेट बना लिया और हमने वीक ऑफ को कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको करने में टाइम लगा नहीं, पहले फॉर्मेट तैयार कर लिया, वीक ऑफ वाला फॉर्मेट तैयार किया यहाँ पे। फिर हमने बोला कि तुम बताओ कि वीक ऑफ में 4 वीक ऑफ है या 5 वीक ऑफ, 5 छुट्टियां हैं, 5ों में कोई एक्स्ट्रा वर्क किया है? तो हाँ, यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क किया है, तो यहाँ पे हमने ईडब्ल्यूज का लगा दिया एक्स्ट्रा वर्क। अब बताओ इस एक्स्ट्रा वर्क की यहाँ पे छुट्टी कब लिया है? तो छुट्टी जो है 5 तारीख को ही लिया है और अगले दिन ही छुट्टी लिया है, तो कॉम्प अप डाल। ठीक है, फिर हमें बोला कि यहाँ पे हमने सबको बोले एक एक करके डेट वाइज, नेम वाइज नहीं चला, फिर डेट वाइज चला कि ये बताओ 1 तारीख को छुट्टी पे है? नहीं, 1 तारीख को छुट्टी पे कोई नहीं था, सब आया है। ठीक है, 4 तारीख को छुट्टी पे है, तो 4 तारीख को सिर्फ एक बंदा इंदर जो है वो अब्सेंट था, उसकी लीव लगा दी। ठीक है, उसके बाद बताओ छुट्टी कब किया? तो नहीं कोई छुट्टी नहीं किया। जहां जहां छुट्टी था, मतलब कि मुझे छुट्टी की एंट्री बहुत कम करनी पड़ी, छुट्टियां बहुत कम, क्योंकि कलेक्शन बंदे छुट्टी बहुत कम करते हैं, छुट्टियां बहुत कम करनी पड़ी। अब जो है मैं जान गया कि जितना ब्लैंक है वो हमारा क्या है, प्रजेंट है, जितने ब्लैंक है वो क्या है, प्रजेंट। अब मैं इस एक बार और रीचेक करवा लिया कि कहीं गलती तो नहीं है, एक बार मैं उल्टा चलते हुए एक बार दोबारा रीचेक कर लिया और यहां जो काउंट आ रहा था उस काउंट को, यहाँ पे अभी काउंट नहीं लगाया है, आगे चलकर फॉर्मूला में काउंट लगाऊंगा, काउंट रहे यहाँ पे होगा कि काउंट लगाया और हम रजिस्टर में जो काउंट था, जो रजिस्टर में काउंट करके भेजा था, वो काउंट को मैच कर लिया, तो दोनों मैच हो गए, टोटल यहाँ नंबर ऑफ टोटल और सब कुछ मैच हो गया। अब इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एच किया, पी किया और इसको यहाँ पे ऊपर ब्लैंक और नीचे मैंने कर दिया पी और इसको कर दिया रिप्लेस। तो एक 200 बंदे का अटेंडेंस लगाने में मुझे मुश्किल से 5-7 मिनट का टाइम। ठीक है, तो जब तक लोग लंच कर रहे थे तब तक मैं आधा काम कर चुका था, वो लोग काम शुरू किए उससे पहले मैं पूरा काम, मैं जो है 1500-1600 एम्प्लॉई का अटेंडेंस 1.5 घंटे में लगा के। ठीक है, बॉस मेरा अंदर से तमतमाया हुआ आया, अब मैं बना के उसको भेज दिया रिपोर्ट, तमतमाया हुआ आया कि यार तुम मजाक करते हो क्या, तुमको अटेंडेंस लगाने के बोला तुम ऐसे ही रैंडम लगा के, क्योंकि वहां से रैंडम हम लोग करते थे, रैंडम लगा के प्रेजेंट भेज दिए हो। हमारे सर एक एक चीज को मैच कर लीजिए, एक गलती नहीं निकलेगा। बॉस के साथ चैलेंज लग गया कि अगर एक गलती निकल गया तो मैं उसी समय रिजाइन मारूंगा और इस महीने की सैलरी भी नहीं लूंगा। अगर आपने गलती निकाल दिया, गलती नहीं निकला, तो डबल महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। मैंने उनके सर में मजाक करते हो क्या हुआ, सीए था और डायरेक्टर था, और सब चेक करवा लीजिए, मेरे हिसाब से सही है, मैंने चेक कर लिया हुआ है, डबल क्रॉस है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सही। पूरी रात स्टाफ उनके मिलके जस्ट मेरे बनाए हुए अटेंडेंस को चेक किया, जब उसने 3-4 रजिस्टर चेक किया तो एक भी गलती ना निकला, तो उनको कॉन्फिडेंट आ गया। तो उसने बोला कि जो डेटा एंट्री कर रहे थे सबको मना कर दिया, कोई डेटा एंट्री नहीं करेगा, एक एक फाइल लो और एक एक रजिस्टर लो, मैच करो, गलती नहीं होनी चाहिए।
पूरी रात लगा उसके 8-9 बंदे की टीम को 1500 एम्प्लॉय का रजिस्टर से मैच करने के लिए, और गलती कितना निकला, 3 गलती निकला, और मेरी गलती नहीं थी, और रजिस्टर में गलती था, ठीक है ना। रजिस्टर में गलती क्या था कि उसने पी को, मतलब कि ए को पी बनाया हुआ था, ठीक है। जो मेल आया था वो मेल से दोनों के मैच करवाया, तो ऊपर लगी 3 गलती निकला। मैं रजिस्टर से गलती नहीं था, वो बाहर से गलती हुई। तो बॉस ने 1 महीने की सैलरी एडवांस तो नहीं दिया, लेकिन हाँ पीवीआर का टिकट दे दिया, और 2000 रुपये वैसे पॉपकॉर्न के लिए सेंशन कर दिया, बोला जाओ मूवी देखे आओ, 3 टिकट दे दिया उन्होंने। मैं आया, 3 टिकट अपने दोस्तों को दे दिया, और मैं आराम से उस दिन आराम से बैठ के, 1 दिन की छुट्टी दे दी, आराम से बैठ के घर पे सोया, और 2000 रुपये अपने जेब में रख लिया। ऐसे भी उस महीने की उसमें मेरी सैलरी 4500 रुपये ही थी, तो समझिए कि 2000 रुपया दिया तो आधे महीने की सैलरी तो दे ही दिया ना। तो ये कहानी क्यों बताया, ये कहानी कहानी बताने के पीछे रीजन ये है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो पहले आप करने से पहले थोड़ा सा ठंडे दिमाग से दिमाग लगाइए कि इसको शॉर्ट तरीके से कैसे किया जाए, बिना मेहनत का कैसे किया जाए। अब बोलेंगे सर मेहनत करने से क्यों हम पीछे घूम रहे हैं, हम बहुत मेहनती हैं। तो मेहनती तो एक मजदूर भी होता है जो दिन भर बैठ के रोड पर गड्ढे खोदता है, उसको तो दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, धनवान होना चाहिए, लेकिन नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि वो हार्ड वर्क करता है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो इस तरह के ट्रिक्स अपनाने से फायदा क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आप मैनुअल टाइप करेंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब एक ऑटोमेशन करेंगे तो आपकी गलती नहीं होगी ज्यादा। क्या नवनीत जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? सर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अटेंडेंस में और क्या क्या की यूज होता है जानिए। देखिए पी यूज होता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है, लेकिन कॉल सेंटर में अगर काम करते हैं तो वो इधर से आर ई एम ए और यहाँ पे एन यूज होता है। आर फॉर रेगुलर शिफ्ट, ई फॉर इवनिंग शिफ्ट, एम फॉर मॉर्निंग, ए फॉर आफ्टरनून और एन फॉर नाइट शिफ्ट। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो शुरुआत में जब कॉल सेंटर आए थे उस समय कॉल सेंटर में कैब फ्री नहीं था, या शुरुआत में फ्री था, जब मैं आया तो फ्री नहीं था। रीजन क्या था कि वो बोलते थे कि जिस समय पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है हम उसी समय आपको कैब मुहैया कराएंगे। जैसे इवनिंग शिफ्ट आपकी है तो आपको घर ड्रॉप के लिए मिलेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट आपकी है तो आपको पिकअप का मिलेगा, आफ्टरनून शिफ्ट है तो आपको ड्रॉप का मिलेगा, नाइट शिफ्ट है तो आपको पिकअप एंड ड्रॉप दोनों मिलेगा, और रेगुलर शिफ्ट है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, समझे। इसलिए ऐसा यूज किया ताकि उनकी जो कन्वेंस का हिसाब किताब लगाया जाए काउंट करके। उसके बाद अगर हम एल की बात करें तो बहुत सारे लोग एल का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग इसको पीएल का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग ए यूज कर पीएल भी यूज करते हैं, और ये क्या होता है LWP, लिव विदाउट पे, LWP लिव विदाउट पे। कुछ लोग ए यूज करते हैं कुछ अब्सेंट के लिए, कुछ लोग बोलते हैं नो कॉल नो शो, मतलब कोई कॉल नहीं है और कोई शो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कॉम्प ऑफ के लिए कुछ लोग वाई यूज करते हैं और कुछ लोग COMP करते हैं। कॉम्प ऑफ, कॉम्प ऑफ क्या होता है कि कंपनी की कुछ कंपनी से आप अगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो ये नियम लागू नहीं होता है, फैक्ट्री एक्ट लागू हो जाता है उस पर। लेकिन आप किसी सर्विस सेक्टर में है तो वहां का नियम होता है कंपनी का कि आपको 31 दिन से ज्यादा की सैलरी नहीं मिलेगी। तो अगर आप मान लीजिए वीक ऑफ में किए तो उसके छुट्टी के दिन काम किए तो उसके जगह पे 1 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, बट आपको एक्स्ट्रा पे नहीं मिलेगा, बट फैक्ट्री एक्ट जो होता है उसमें लागू नहीं होता है।
फैक्ट्री एक्ट हो गया, सिक्योरिटी गार्ड की सिक्योरिटी कंपनीज हो गई, लेबर वगैरह हो गया, तो उनको अगर छुट्टी के दिन काम किया तो उनको आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आई थिंक ये लॉ है, लेबर लॉ है शायद, ठीक है, ऐसा वर्ड यूज होता है। अब आते हैं आज पे कि आपको क्या करना है, आपको इस रिपोर्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना। अब हो सकता आप लोग की सैलरी, जिनकी सैलरी 1 तारीख को आती है, उनकी अटेंडेंस की शुरू अटेंडेंस का ये क्या होता होगा, मतलब कि जो अटेंडेंस वो बनाते हैं उस अटेंडेंस का स्लैब क्या होता है पता है नवनीत जी, आपकी सैलरी कब आती है, 7 को या 1 को? फर्स्ट वीक में आती है, मंथ के फर्स्ट वीक, एक से सात के बीच में, 4-5 जन कर रहे ज्यादा। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी, आपकी जो सैलरी होगी, आपकी जो अटेंडेंस होगा वो होगा 25 से 24 या 19 से 20, जिसकी सैलरी मंथ का लास्ट है, मतलब अपने अपने हिसाब होता है। तो हमारे कंपनी का तो यस, पिछली कंपनी में 24 से 25। तो मान लीजिए कि आप लोग की सैलरी 1 तारीख को आती है, और नहीं जिनकी आती है तो उनकी आती है, जिनकी नहीं आती है वो मान लीजिए, ठीक है, जैसे मैथमेटिक में आप लोग मान लेते। अब यहां पे मुझे मेरी इस अटेंडेंस शिफ्ट को 19 से 20 करना है, ठीक है, 19 से 20 कर। अब इसके अंदर क्या चेंजिंग होना चाहिए जो 19 से 20 हो, ये आपको डिसाइड करना है और करके मुझे भेजना है। तो इसी तरह से बीच बीच में आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह जो रियल टाइम ऑफिशियल प्रॉब्लम होती है उस पर हम डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, और जिस दिन प्रोजेक्ट होगी उस दिन आप कमर कस लीजिएगा, क्योंकि उस दिन में आधा मैं करूंगा और आधा आपको करना होगा, पूरा मैं नहीं करूंगा।